झांसी के मऊरानीपुर में प्रदेश सरकार द्वारा विद्यालय के छात्र छात्राओं को लैपटॉप और टैबलेट वितरित किए गए, जिन्हें पाकर विद्यालय के छात्र छात्राओं के चेहरे खिल उठे। वहीं लैपटॉप को पाकर बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चुनाव से पूर्व वादा किया गया था कि वो जैसे ही सरकार में आएंगे तो पढ़ने वाले बच्चों को लैपटॉप टैबलेट वितरित करेंगे। अब सत्ता में आने के बाद सरकार छात्र छात्राओं को टैबलेट और लैपटॉप वितरण कर रही है। इसी क्रम में मऊरानीपुर में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर रश्मि आर्या और उप जिलाधिकारी अंकुश श्रीवास्तव ने विद्यालय के छात्र छात्राओं को टैबलेट और लैपटॉप वितरण किए। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सबको पता है कि कोविड की पैंडेमिक के दौरान हम लोग इतने परेशान थे, हम लोगों के पास स्मार्टफोन्स नहीं थे, पढ़ाई डिजिटल नहीं थी, बट जब से ये लैपटॉप वितरण और टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण शुरू हुआ है, पढ़ाई डिजिटल हो रही है, डिजिटल इंडिया की तरफ एक और कदम बढ़ा रही है सरकार, मैं बहुत खुश हूँ और मेरे सभी साथी इस लैपटॉप और टैबलेट वितरण से बहुत खुश है। सरकार की योजनाओं को हम लोगों को पूरा लाभ मिल रहा है, क्योंकि आज जो स्थिति भारत में है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा यहाँ उत्तर प्रदेश में ठीक की जा रही है। शिक्षा सबको मिल सके, सबको इसका लाभ हो सके, इसलिए टैबलेट वितरण किया जा रहा है हम लोगों को। बहुत ज्यादा गौरवान्वित फील कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि जैसे तकनीकी रूप से अच्छा है, बहुत अच्छा है। आगे पढ़ाई के लिए हाँ मैं अब MA कर चुका हूँ और तकनीक के हिसाब से आगे बढ़ने के लिए जो सरकार की योजना है, मुख्यमंत्री जो टैबलेट योजना है, उसमें मुझे ऐसा जो दिन है, जो आज का दिन है, बच्चों के लिए, जो छात्रों के लिए एक ऐसा उद्देश्यपूर्ण दिन है जो तकनीक के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं छात्र, जिसमें कोई भी सामाजिक जिसके तहत सामाजिक न्याय को ध्यान रखा गया है। आज अग्रसेन महाविद्यालय मऊरानीपुर में लैपटॉप स्मार्टफोन जो शासन के विद्यार्थियों को बांटने का जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया गया, और ये जो लैपटॉप कार्यक्रम जो दिया गया बांटे गए हैं, टैबलेट आज बांटे गए हैं, और MA फाइनल के छात्र जिनकी संख्या 94 है उनको आज इनको दिया गया है। और ये जो बांटने का काम था, हमने इसके लिए शासन से SDM साहब को बुलाया था और मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर रश्मि आर रेड्डी आज पधारी थी, उनके कर कमलों से हमने डिस्ट्रीब्यूशन कराया है, और हमारे छात्र आज इस कार्यक्रम में लैपटॉप लेके बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका भविष्य अगर उन्हें पढ़ना है तो सबसे आसान तरीका है लैपटॉप या टैबलेट का प्रयोग करते हुए वो किसी भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMTNews.